लॉकडाउन पर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होगा, पाबंदियां नहीं खत्म होंगी, ये साफ कर दिया है प्रधानमंत्री ने। तो मेरे दोस्त, देखा आपने ये क्लिप, ये चल रहा है मीडिया के अंदर। भाई भ्रमित और कंफ्यूजन, हम इंसान नहीं होते भाई, हमें कंफ्यूजन कर दिया जाता है। और कब तक? आज से नहीं भाई, ये कई बरसों से सदियों से चल रहा है, लेकिन अब समय है हमारा। दोस्तों, ग्राउंड लेवल पे क्या फायदा पहुंच पा रहा है ये हम जानते हैं जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। दोस्त, बस मैं इतना जानता हूं और मैं वीडियो की स्टार्टिंग में कह देना चाहता हूं आपसे, किसी भी बच्चे का साल बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमें ना ताज चाहिए ना रात चाहिए, बस भूखे पेट को दो वक्त की खाना चाहिए मुझे दोस्तों, और कुछ भी नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करो या ना करो ये आप पे डिपेंड करता है, बस इसके इतना ही कहूंगा। इस वीडियो को शेयर जरूर करना आज जो इस वीडियो में बताने वाला। सबसे पहले मैं एक दो बात आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देना चाहता हूं, मेरा काम जुमलाबाजी करना नहीं है ना दोस्त, मेरा काम आपको मिसगाइड और भटकाना है। मैं हमेशा फैक्ट पे बात करना चाहता हूं और आज की ये वीडियो भी टोटल फैक्ट पे बेस है। मैं आपको स्टार्टिंग में कह देना चाहता हूं, जिस बात को, जिस मुद्दे को मीडिया कवरेज नहीं दे रही, उस मुद्दे को दोस्त मनीष वर्मा अपने चैनल पर उठाने वाला है। लेकिन याद रहे दोस्त, वीडियो को शुरुआत में कह देना चाहता हूं, आपके सपोर्ट के बिना मैं अधूरा हूं, इसलिए हमेशा कहता आया हूं कि आप सभी का साथ है वरना मेरी क्या औकात। तो सबसे पहले तो भाई यही हमारे सबके मन में यहां पे कूद पड़ा है कि क्या आफ्टर 15 क्या एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। और दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे एग्जाम्स बोर्ड में सिर्फ CBSE बोर्ड या NIS बोर्ड, दोस्त यहाँ पे ICS बोर्ड हो गई, या आपके दोस्त यहाँ पे DUSUL हो गया, सेमेस्टर वाइज हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, मैं सबकी बात कर लूँगा, सब देखना। या दोस्त यहाँ पे आपका इग्नू हो गया, या आपके जितनी भी अदर स्टेट बोर्ड्स हो गए, CBSE बोर्ड या NUS बोर्ड या ICS बोर्ड या DUSUL बोर्ड या इग्नू बोर्ड है। अब यहाँ पे ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि पहले 15 अप्रैल के बाद एग्जाम्स होगा ये या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है। ये तो दोस्त हम सब जानते हैं कि ये टोटली किस पे डिपेंड करता है दोस्त, इट इज डिपेंड ओनली ऑन द सिचुएशन। अब ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है और ये कोरोना वायरस का कहर अभी क्या चल रहा है पहले हम ये जान लें। भाई अब तक टोटल केसेस जो हैं वो 12,77,204 इस समय वीडियो बना रहा हूँ मैं, इतने आ चुके हैं। लगभग 69,568 लोगों की डेथ हो चुकी है एंड 266,458 लोगों को रिकवर्ड यानी कि उनको ठीक किया जा चुका है। अगर मैं भारत की बात करूँ तो इस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ लगभग 4314 लोगों के केसेस आ चुके हैं एंड 118 लोगों की जाने जा चुकी है। अब यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये सिचुएशन रहा और देख सकते हो कि ये जो नंबरिंग है केसेस की, ये डिक्रीज नहीं हो रहा दोस्त, ये इंक्रीज हो रहा है। तो खास बात ये है कि भारत के अंदर कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ अभी तक, और 15 के बाद लॉकडाउन हटता है डायरेक्ट। दोस्त, मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था कि कैम्ब्रिज की हम रिपोर्ट मान लेते हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट मानते हैं तो 49 डेज का ये एक्सटेंड होने वाला है। यहां तक दोस्तों कई रिपोर्ट में ये भी, BCG ने ये भी कह दिया कि ये लॉकडाउन सितंबर तक जाने वाला है। और सोच सकते हो कि ऐसा कुछ हो जाए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और इसको क्लेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है यहाँ पे, ताकि ना आप डाउट में रहो, आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी पाओ। आया तो समझ में? क्योंकि एक प्रेशर मन में होता है तो ना ये करने का मन करता, ना ये करने का मन करता, हम कुछ नहीं कर पाते। होता है आपके साथ भी ऐसा, तो सबके साथ ऐसा होता है। मैं आपकी फीलिंग को समझता हूँ भाई, टच टू टच, लेकिन यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम अपने फायदे की बात नहीं कर रहे, हम दिस कंट्री, हम पूरे वर्ल्ड की सब सोच के चल रहे हैं। अगर दोस्त 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन यहाँ पे हटता है तो यहाँ पे कम्युनिटी स्प्रेड का मामला ज़्यादा बढ़ सकता है, और यहाँ तक दोस्त जो बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है काफ़ी कमज़ोर होता है, और उन पे ये ज़्यादा अगर हो गया तो दोस्त भगवान ना करे, खुदा ना वास्ता दोस्त, आपको अगर कोरोना वायरस हो गया ना भाई तो सड़कों पे लाशें बिछे मिलेंगे, भारत संभाल नहीं पाएगा। दोस्तों इटली 5 मस्त कंट्री में आता है, उसका मेडिकल सिस्टम क्या हो गया हाल जानते हो आप भी। दोस्त अमेरिका तक नहीं बच पाया दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका ने भाई अभी मोदी जाके कुछ वैक्सीन कुछ दवाइयाँ मांगी, मेडिकल कुछ हेल्प मांगा, जब अमेरिका नहीं बच पाया तो हम किस में खेत के मूली होते हैं भाई। हमें अभी ये सोच कर चलना है कि कोरोना वायरस का कहर और ज़्यादा बढ़ने वाला है, कम्युनिटी स्प्रेड ना हो जाए, इससे हमें बच कर रहना है। लेकिन अब दोस्त यहाँ पे अगर हम CBSE बोर्ड या NUS बोर्ड या ICS बोर्ड की अब मैं अगर बात करूँ दोस्त, टोटली फैक्ट की बात बता रहा हूँ, यहाँ तक कि कई देश तो इससे परेशान हो चुके हैं। दोस्त यहाँ पे फिलीपींस की बात करना चाहता हूँ मैं, फिलीपींस के राष्ट्रपति ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि जो भी क्वारंटीन वॉलंटियर्स में रखे हुए हैं उन सबको गोली मार दो जो कि कोरोना वायरस के शिकार है, मार दो सबको गोली, क्या कर। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया की बात बताना चाहता हूँ मैं, 9:30 लोग आ सकते जिनको कोरोना वायरस था, लेकिन 9:15 पे जो 30 लोग थे वो भी खत्म, कहाँ गए भाई, मार डाला गया।
लेकिन ये सोल्यूशन हम इंडिया के लिए नहीं है, मैं दोस्त ये नहीं कह रहा। कई देशों ने कितने गंभीर केसेस, दोस्त चाइना भी इस मामले को छुपाता आया, स्टार्टिंग में उसने कई लोगों को जान से मारा है, ये सब जानते हैं, पूरा वर्ल्ड जानता है, और किस तरीके से इस मुद्दे को दबाने की कोशिश हर कंट्री में की जा रही है। दोस्त बचने का कोई तरीका नहीं है, हम तो इसमें कहेंगे कि घर में हैं बैठे इस समय, और 15 के अप्रैल के बाद भी घर में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और यही मामला मैं यहाँ पर भी बताना चाह रहा हूँ आपको यार, कि सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त ये भी न्यूज़ आपने देख लिया होगा कि कोरोना वायरस टाइगर्स में पाया जा चुका है। बात करते हैं 15 अप्रैल के बाद हमारा क्या होगा, हम इंसान का क्या होगा, क्या हम भी इसके शिकार हो जाएंगे, या 15 अप्रैल के बाद जो एग्जाम्स के कारण हम इतने टेंशन में, क्या ये हमारा खत्म होगा। दोस्त यहाँ पे पहले बता देना चाहता हूँ मैं, ये रमेश पोखरियाल जी हैं, ये हमारे भारत के दोस्तों शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्ट्री हैं। मेरे दोस्त फर्स्ट वीडियो पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना प्यार देने के लिए, और ज़्यादा तक हो सके दोस्त इस वीडियो को भी शेयर करना, क्योंकि आपकी आवाज़ मैं बोल रहा हूँ और हम सब तक फैलाना चाहते हैं इस बात को। और रमेश पोखरियाल ने दोस्त साफ कहा है कि इस साल किसी भी बच्चे का साल बर्बाद होने नहीं देंगे, यानी कि दोस्त इस बात से जाहिर है और इस बात से भी जाहिर है आंकड़े को देखते हुए कि 15 अप्रैल के बाद आपके एग्जामिनेशन नहीं होने वाले, सिचुएशन को देखते हुए बताना चाहता हूं मैं। और रमेश पोखरियाल जी ने यहां पे साफ कह दिया कि साल बर्बाद भी नहीं होने देंगे, यानी कि दोस्त मोस्टली बच्चों को पास कर दिया जाएगा। और लेकिन मीडिया की सुनते रहेंगे तो वो क्लिक बेट के चक्कर में जिंदगी खराब कर देगी, वो ऐसा बोलते हैं जैसे मान लो कि दहशत फैला रहे बंदा कोरोना वायरस से कम, मीडिया वालों की बातें सुन के पहले मर जाए, ऐसे ऐसे बातें करते रहते, सोच लो भाई। अब यहां पे रमेश पोखरियाल जी का एक क्लेरिफिकेशन यह है कि किसका साल बर्बाद नहीं होने देंगे, चलो अच्छा है साल बर्बाद नहीं होगा। दोस्त यहां पे अगर 15 अप्रैल के बाद एग्जाम्स होते हैं, क्योंकि अगर रिपोर्ट को माने हम, कैम्ब्रिज रिपोर्ट को माने, तो 5 दिन का लॉकडाउन हटाने की बात चल रही है 15 अप्रैल के बाद। अगर 5 दिन का हम लॉकडाउन हटाते भी हैं, क्योंकि दोस्त अभी काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी विदेशों में फंसे हुए हैं, और विदेशों में दोस्तों फंसे होने उनके लिए मैं अगर बात करूं तो वो इंडिया आना चाहे या कहीं भी आना चाहे तो इससे और खतरा है। अगर फिर से लॉकडाउन हटता है और विदेशों के लिए भाई फ्लाइट खोल दी जाती है तो और दिक्कत है, क्योंकि अभी बात चल रही है डोमेस्टिक फ्लाइट खोलने के लिए। डोमेस्टिक दोस्तों मेरी 3 अप्रैल को दोस्तों बिहार के लिए फ्लाइट थी, आप सबके लिए काम करना चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिंदगी रहेगा तो जी लेंगे भाई, लेकिन आप सबकी जब टेंशन होती है तो मनीष वर्मा जी नहीं पाता मेरे दोस्त। बस यहाँ पे यही कहना चाहता हूँ आप सबको कि 5 दिन का जो लॉकडाउन खोलने की बात की जा रही है, 5 दिन में क्या एग्जाम्स कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, क्या 5 दिन में दोस्त इतने सारे बोर्ड्स एग्जाम हो जाएंगे, क्या 5 दिन में जो एग्जाम्स अभी सस्पेंड हुए थे पोस्टपोन्ड हुए थे क्या एग्जाम्स हो जाएंगे, इम्पॉसिबल है, किसी कीमत पर नहीं हो सकते। अब इस हिसाब से एक ऑप्शन यहाँ पे आया था उठकर, काफ़ी सारे कह रहे थे कि क्यों ना एग्जामिनेशन ऑनलाइन ले लिया जाए, बच्चों को घर बैठे बैठे एग्जाम ले लिया जाए। अब आप भी सोच रहे हो कि हाँ ये भी मामला ठीक है, लेकिन भाई ठीक सुनने में लग रहा है, कहाँ से ठीक है भाई, एक फैक्ट बताता ना आपको मैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन तब होगा ना भाई जब सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स में हो, किस में हो, ऑब्जेक्टिव्स हो भाई, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो भाई, फटाफट टिक लगाना काम खत्म। मेरे दोस्त यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे पास, मेनली सब्जेक्ट, उनके एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव में होते हैं भाई, लिखना पड़ता है, इतना लिखेंगे कैसे ऑनलाइन जब होगा, यानी कि ये भी मामला फेल, सरकार ऑनलाइन नहीं ले सकती। दोस्तों ऑनलाइन पढ़ाई हो सकता है, जैसे मैं आपको अपनी बातों को बता पा रहा हूँ ये ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम्स इम्पॉसिबल है। तो यानी कि दोस्त ये भी मामला फेल हो गया हमारा, 15 अप्रैल को अगर हमारी कम्युनिटी स्प्रेड हो गया दोस्त तो दिक्कत है, यानी कि लॉकडाउन एक्सटेंड होगा, ये तो दोस्त बिल्कुल कन्फर्म बात है जहाँ तक की रिपोर्ट हम देख सकते हैं। दोस्त ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, फ्यूज नहीं होना बिल्कुल, रियल फैक्ट पर बात करेंगे हम। अब सिंपल अगर मैं आपको बता दूँ कि 15 अप्रैल के बाद अगर एग्जाम्स नहीं होते हैं, क्योंकि देखो 15 अभी क्या होने वाला है, एक दोस्त बताना चाहता हूं मैं आपको कि 12 अप्रैल को मोदी जी ने कहा है कि मैं एक मीटिंग करने वाला हूं और 12 अप्रैल को मैं फाइनल बता दूंगा कि ये लॉकडाउन एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। और दोस्त देखो मोदी जी भी तो साफ नहीं कह रहे ना यार, मोदी जी क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि रेस्ट्रिक्शन रहेगा लेकिन लॉकडाउन हट जाएगा। मेरे को भाई ये समझ में नहीं आया, रेस्ट्रिक्शन भी रहेगा लॉकडाउन भी हट जाएगा, तो ये कैसा लॉकडाउन होता है, थोड़ा हमें डिफाइन करके बताने जा रहे एक बार भाई साफ साफ, क्योंकि बताते कि लॉकडाउन लगा रहेगा। और मैं जानता हूं दोस्त मोदी जी भाई साफ नहीं बता सकते, जनता परेशान है, लेकिन जनता समझती भी तो है भाई, हैं जब ताली बजाने थाली बजाने जब आ सकते हैं, जब दिया जलाने के लिए साथ आ सकते हैं, तो मोदी जी का साथ देने के लिए आएंगे। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि बच्चों को सबको टेंशन खत्म करो, हर बच्चों को प्रमोट दो उनके इंटरनल के बेस पे, उनके दोस्त एक्सपीरियंस के बेस पर उनको प्रमोट देकर नेक्स्ट क्लास में डाल दिया जाए, वो अपनी नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई कंटिन्यू किया जाता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। 15 अप्रैल के बाद एग्जाम्स होगा या नहीं होगा दोस्त, मैंने आपको सारा सिचुएशन बता दिया, सारा सिचुएशन बता दिया मेरे दोस्त। अब काफ़ी सारे बच्चे ये पूछते हैं कि हम तैयारी करें या ना करें, मेरे दोस्त
एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में हम दुख हो या खुश हो, खाना खाते हैं या नहीं खाते, खाते ना मेरे दोस्त खाना, तो 15 दिन के बाद एग्जाम्स हो गए या नहीं होगा, लेकिन तैयारी तो करना ही है ना भाई है? एग्जाम्स कभी भी हो तैयारी तो करेंगे ना, हमें अपने इसके लिए काम करना है, इसके किसके स्किल के लिए काम करना है, हमें अपने लिए काम करना है दोस्तों। पढ़ाई आप अपने लिए कर रहे हो दोस्त, इसलिए अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। मैं अपने मेन चैनल पे पढ़ाई आपको पढ़ाने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट्स के दोस्त वीडियो लेके आऊँगा, मैं आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करवाऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये सारा जो जुमलाबाजी अभी चल रहा है, उस जुमलेबाजी को ख़त्म करने के लिए बस एक ही कदम हमें उठाना है कि सरकार से दोस्त ये गुजारिश रही है कि पोखरियाल जी ने कह तो दिया कि साल बर्बाद होने नहीं देंगे, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, प्लीज़ ऐसा हो भी ना, क्योंकि दोस्त अगर गरीब मर रहा है और बच्चा यहाँ पे परेशान हो रहा है तो ये मनीष वर्मा बहुत दुख में है। और दोस्त बताना चाहता हूँ कि हमारा देश दुख में है, कोरोना वायरस से दोस्त हम सबको एक साथ मिलकर लड़ना है तभी जीत हो पाएगी। और दोस्त इन सब फैक्ट के बाद मैं आपको इतने बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम्स आपके नहीं होने वाले 15 अप्रैल को, कितना भी कह लो दोस्त। एक की यहाँ पे क्लिप चल रही थी आजकल न्यूज़पेपर के अंदर कि सीबीएसई के एग्जाम्स जो 10th और 12th के छूट गए थे वो 22 अप्रैल से होने वाली है। भारत के अंदर एक काम हमेशा ट्रेंड पे रहता है, आप सबके इमोशन के साथ खेलना, और सब ऐसा कर रहे हैं आज इस समय। बस इतना कहना चाहता हूँ कि 15 अप्रैल के बाद आप अपनी कंटिन्यू पढ़ाई रखें, उस पर कोई भी दोस्तों गुंजाइश नहीं होना चाहिए, को नो कॉम्प्रोमाइज इन योर स्टडी। अब यहाँ पे बात आती है दोस्त, क्या न्यू डेट शीट आएगी, क्या कब आएगा दोस्त? यहाँ पे अब आपका जो सवाल होता है कि अब मेरे हमारे जो एग्ज़ाम है 15 अप्रैल के बाद वो होंगे या नहीं होंगे, मैं दोस्त सिचुएशन समझा दिया मैंने आपको, 99.9% चांस है कि आपके एग्ज़ाम्स नहीं होंगे एग्ज़ाम्स। तो जो एग्ज़ाम छूट गए, देखो सबसे बड़ी लॉस यहाँ पे हो रहा है सीरियसली वाले बच्चों का, एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट जो मेन रह रहे थे, बाकी दोस्तों नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में अगर बात बताऊँ उनके बहुत सारे एग्जाम्स रह रहे थे, तो उनका क्या किया जाएगा? देखो सीरियसली ऑनलाइन एग्जाम्स करवा नहीं सकती, फैक्ट ये है कि बच्चों को इंटरनल बेस पे पास कर दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त इसी साल के लिए। भाई जब पूरा दुनिया तबाह है दोस्तों, अमेरिका में सारे बच्चों को पास कर दिया गया, फिलीपींस हो गया मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, जर्मनी हो गया, जापान हो गया दोस्तों, इन सब के अंदर बच्चों को प्रमोट कर दिया गया है। क्यों? ये देखते हुए, अरे बच्चे तो हर साल पढ़ लेंगे, जिंदगी रहेगी तो पढ़ेंगे ना भाई, इसीलिए उनको टेंशन कम दो ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर घर में बैठ के अपने आज के स्किल के लिए काम कर सके, आगे की स्ट्रेटजी बना सके। इन सब में फंस गए तो ना वो यहाँ करेंगे ना यहाँ करेंगे, देश ऐसी परेशान चल रहा है, इकोनॉमी ऐसी लॉस होते जा रही है मेरे दोस्त, ना हाथ का स्किल रहेगा तो देश कहाँ जाएगा मेरे दोस्त, मेरे देश। ये सब गुस्सा भाई, ये एक प्यार है आप सभी का, जो आप सबके लिए चिंता मेरे रात दिन रहती है। और ये एक बात और ध्यान रखना कि 12 अप्रैल को मोदी जी ने ये कहा कि नोटिस आएगी, और सीबीएसई वाले दोस्तों अप्रोक्स में बताना चाहता हूँ कि इस दिन नोटिस आ जाएगी, और क्या फाइनल फैसला होता है। देखो यार मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल भी यार कि नहीं कर दो एग्जाम कैंसिल, मतलब बच्चों के एग्जाम, भाई जो बच्चे 5-6 महीने से लगातार मेहनत करते आ रहे थे उनका क्या होगा, सोचो जरा भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि उनका क्या होगा है। अब देखो मेहनत तो सब करते हैं यार, थोड़ा कम करते हैं थोड़ा ज़्यादा करते हैं, लेट्स अप टू यू, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन को रख दो एक जगह, और एक जगह रख दो अपनी प्रिपरेशन को। तो सिचुएशन के सामने दोस्तों अच्छे से इंसान हार जाते हैं, इंसान जो कुछ कभी करना नहीं चाहता लेकिन हालात करवा देते हैं, और इस समय देश के हालात क्या है वो हम सब जानते हैं। और इसी को देखते हुए दोस्त बस एक ही चीज़ है, वो है प्रमोशन, दो फटाफट ताकि नेक्स्ट क्लास की पढ़ाई स्टार्ट हो सके, कोई भी दिक्कत यहाँ पे दोस्त नहीं होने वाला। बच्चों को इतने मार्क्स, अब यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे सर 10th क्लास में है और अगर मुझे 11th क्लास के अंदर एडमिशन लेना है तो क्या इतने परसेंटेज आ जाएंगे कि मेरे को साइंस मिल जाए कॉमर्स मिल जाए? 100% भाई, परसेंटेज बेस पे तो खत्म ही करो, आपको जो चाहिए वो 11th में देंगे आपको, सिचुएशन ही ऐसा है। एग्जाम्स हुए नहीं, परसेंटेज इतने मिले, इतने तो दोस्तों उनको देना ही पड़ेगा कि आपको मिलेगा वो सब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाई चांस 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म कर करवाया जाता है, और दोस्त अगर कोरोना वायरस का कहर फैलता है, मैं दोस्तों को देखो डरने वाली बात नहीं है यार, और जितना न्यूज़ पे चैनल पे दिखा दिखाए लोगों को डरा दिया जाता है ना, क्योंकि देखो चैनल्स पे इस मुद्दे पे बात करते हो कोई नहीं मिलेगा आप। और दोस्त मैं इस बात को जानता हूँ कि भारत के हर नागरिक भारत का विकास चाहते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन इन मुद्दों को कब तक दबाओगे भाई? 15 अप्रैल का डेट दिया गया है, हम सब वेट कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं, हम अभी वेट कर रहे हैं। तो अब मैं एक लास्ट पर आपसे क्या देना चाहता हूँ कि अब 15 अप्रैल के बाद एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे, इसलिए अब मन में डाउट बिल्कुल भी मत रखना, आपका एग्जाम्स ये सारे फैक्ट भी हम बात करें तो एग्जाम्स होने के चांस नहीं दिख रहे आपको, लेकिन अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करना है, मन में कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बस जो आप अपने स्किल के लिए काम करो, वेब डिजाइनिंग सीखो, इंटरनेट की नॉलेज लो, और जो जहाँ तक हो सके पता ये दुनिया बहुत है भाई, बहुत ऐसे नॉलेज है जो आप घर बैठे ले सकते हो, अच्छे अच्छे किताबें पढ़ो, बुक्स पढ़ो, नॉलेज के लिए काम करो ताकि घर में बैठ के आप टाइम यूटिलाइज कर सको।
बाकी जो आपकी स्टडी के लिए मैटर है दोस्त, मैं अपने मेन चैनल पर आपके वीडियो डालते रहता हूँ, आपको दोस्त पढ़ाते ही रहता हूँ, तो उससे कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। तो यहाँ पे बात आती है, बाकी फाइनल अपडेट सीबीएसई और गवर्नमेंट के थ्रू दे दिया जाएगा, और एचआरडी मिनिस्टर के दोस्त हम बयान यहाँ पे देख लिया कि साल किसी का बर्बाद होगा नहीं। दोस्त इतना कहना चाहता हूँ, आपके लिए सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अगर आप चाहते हो तो सब जगह शेयर करना, मनीष वर्मा का सपोर्ट करना, लाइक करना भाई दिल से, और अगर इस चैनल पर भी नए हो आप तो प्लीज़ दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को भी फटाफट आगे लाओ, मेरे दोस्त मेरे आवाज़ को दबाया ना जा सके, और मैं अपने आवाज़ को उठाकर आप सबकी बातों को उठाकर देश की सरकार तक पहुंचा सकूं। तो चलिए मेरे दोस्त, कैसे लगे आपको ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, और अब ऐसा डाउट मन में बिल्कुल मत रखना, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, एनएस बोर्ड का हो, आईसीएस बोर्ड का, डीएसएल का हो, इग्नो का हो, अभी 15 अप्रैल के बाद कोई भी एग्जाम्स होने वाले नहीं है। अगर दोस्त फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्राम की बात करूं, या दोस्त ऑनर्स की बात करूं, या जिनके एग्जामिनेशन मई में होने वाले हैं, उनका क्या होगा? दोस्त मई के एग्जामिनेशन के लिए कोई भी नोटिस नहीं है अभी, और मैंने आपको सिचुएशन बताया है, है ना। अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें ताकि दोस्तों सरकार है ये, कोई फैसले अच्छे तो कोई फैसले ऐसे ले लेते हैं इंसान पागल हो जाता है और फटाफट अफरा तफरी। लेकिन मेरे दोस्तों आपको कम से कम 10 दिन दिया जाएगा आया दोस्त, में जब भी डेट अनाउंस की जाएगी, और सीबीएसई ने भी ये साफ कहा है। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप टेंशन बिल्कुल भी ना ले भाई, माइंड फ्री रखे और फ्री होकर अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखे। मैन चैनल में दोस्तों हमारी पढ़ाई होती रहेगी, और भी ऐसा कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको जरूर दूंगा। लेकिन दोस्त अब मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, अब मुझको आप ये बताएं कि अब आप नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहते हो कि मैं इस चैनल पर डालूं, ऐसा फैक्ट जिस पर ज़्यादा आएगी मेजोरिटी दोस्त उस में बनाऊंगा मैं, क्योंकि दोस्त बुक नॉलेज से हटकर ऐसे काफ़ी सारे नॉलेज हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्त नेक्स्ट आप कौन सी वीडियो चाहते हो जो धमाकेदार वीडियो, और आप चाहते हो कि नहीं देश के बारे में हमें ये पता होना चाहिए? दोस्त मैं चाहता हूँ पॉलिटिक्स का मामला या ऐसा कुछ मामला मैं उठाना चाहता हूँ जिसके बारे में आप जानते नहीं, लेकिन आपसे पूछूंगा कि आप कौन सा चाहते हो। तो चलिए मेरे दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दिल से आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार बनाए रखने और चैनल को सब्सक्राइब कर और लोगों से करवाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।